हमारे देश की महान मैथमेटिशियन शकुंतला देवी जी ने कहा था, नंबर्स हैव लाइफ, दे आर नॉट जस्ट सिंबल्स ऑन पेपर। संख्याओं में भी जान होती है, ये केवल कोई सिंबल नहीं है जो पेपर पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एडुमेनिया पे, वेयर लर्निंग बिगिंस। और आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर्स के बारे में। तो उससे पहले थोड़ा सा शकुंतला देवी जी के बारे में जान लेते हैं। 1929 में पैदा हुई थी, आज़ादी से पहले। उस टाइम तो एजुकेशन की कुछ भी वैल्यू नहीं थी हमारे यहाँ पे, कोई मतलब बहुत कम ही थे जो एजुकेट थे, और उनको मैक्सिमम हम जानते भी हैं। हमारे भी आसपास में जो इलाके में होंगे उस टाइम पे जो एजुकेट होंगे, तो उन सबको आप जानते होंगे कि उस टाइम पे भाई वो आदमी था जो बहुत बीए किया हुआ था, कुछ भी किया होता। तो लेकिन ये कभी भी स्कूल वगैरह में नहीं गई थी, क्योंकि बचपन से ही इन्होंने मैथ को अपना जीवन बना लिया था और मैथ को ही पूरा अपने आप को समर्पित कर दिया था। नंबर पे इनकी इतनी खतरनाक पकड़ थी कि जब स्टार्टिंग में कैलकुलेटर आए थे, तो कैलकुलेटर से पहले शकुंतला देवी जी ने कैलकुलेशन करके दिखाए थे, और वो भी सही। एक बार तो कैलकुलेटर ने भी गलत कैलकुलेशन कर दी थी, लेकिन शकुंतला देवी ने सही की थी। उसके बाद में डिस्प्यूट भी हुआ था। तो इन्होंने अपने देश की ख्याति पूरे विश्व में फैलाई है। तो आज हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। नंबर्स हैं जो वो क्लास 10, 11, 9, 12 सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इवन छोटे बच्चों को भी सारे के सारे नंबर के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या कौन सा नंबर है, मिसाइड नंबर लिखेंगे, कौन सा है जी, नेचुरल नंबर। और इस साइड इनकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। ओके जी, ओके। सबसे पहले है नेचुरल नंबर। तो जब नेचर में स्टार्ट हुई होगी कैलकुलेशन है, तो स्टार्ट ही हुई होगी। और स्टार्ट होने के लिए क्या होगा, जीरो तो आएगी नहीं। तो कौन से नंबर हैं नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर वो नंबर हैं जो कहाँ से स्टार्ट होंगे, फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी तो नहीं है। क्या है कि नेचुरल नंबर क्या है, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। अब भाई प्रकृति ने दिए हैं, अब प्रकृति देगी तो ऐसा तो नहीं होगा कि आधा देगी पूरा देगी, तो पूरा ही देगी। सब कुछ पूरा है क्या, 1 अपने आप में कंप्लीट है, 2 अपने आप में कंप्लीट है, 3 अपने आप में कंप्लीट है, सारे अपने आप में कंप्लीट है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट नंबर देख लीजिए, ये तो सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट नंबर क्या है, होल नंबर। क्या है जी, होल नंबर। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, क्या बस 0 प्लस नेचुरल नंबर। क्या है जी, होल नंबर क्या है, पूर्ण संख्या है, जिनको हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं, जो अपने आप में कंप्लीट हो। कंप्लीट मतलब कि कम ना हो। हालांकि अब मेरे पास, मेरे को ये नहीं कहते हैं कि कई बार कोई आदमी है, किसी को अमीर या गरीब डिसाइड करते हैं, तो कई बार एक नॉर्मल आदमी क्या कहेगा, अरे उसने तो उधार भी देनी है, हमारे सिर उधार तो नहीं। मतलब कि अगर किसी आदमी को किसी के पैसे भी नहीं देने हो, तो वो भी एक अमीर आदमी में काउंट होगा हमारे इंडिया में, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो ऐसे हैं, मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनको किसी ना किसी की उधार देनी ही देनी है, चाहे नाई वाले की उधार क्यों ना देनी हो, तो किसी ना किसी की तो उधार देंगे ही देंगे। तो हमारा सेकंड नंबर क्या था, होल नंबर। थर्ड क्या है जी, इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब कि पूर्णांक, पूर्ण अंक, जो क्या हो, पूर्ण अंक हो, मतलब पूरे पूरे नंबर हो। अब पूरे पूरे नंबर कौन से होंगे, माइनस इन्फिनिटी से लेकर
डॉट 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 डॉट, जैसे कि फिर -3 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर हमारी प्यारी सी 0 आएगी, और फिर क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा जी 2, फिर क्या आएगा 3, ऐसे ही 4, कहाँ तक है? इनफाइनाइट तक। क्या है जी? इनफाइनाइट तक। ये क्या है? इंटीजर्स हैं, पूर्णांक। अब पूरे हैं कैसे? इनके डिवाइड में कुछ भी नहीं है, ना आधा है, ना पूर्णा है, ना पाइया है, ना कुछ है। सारे के सारे नंबर क्या हैं? कंप्लीट हैं, पूर्णांक हैं, इंटीजर हैं। अब इस इंटीजर के अंदर भी हमारे पास तीन पार्ट हैं। पहला कौन सा जी? नेगेटिव इंटीजर। ये कौन सा जी? आपको अलग से दिखाई दे रहे हैं, कौन से हैं? पॉजिटिव। अब हमने जीरो को तो लिया नहीं, क्योंकि जीरो तो हमारी प्यारी सी जीरो, जो हमारे महान मैथमेटिशियन किसने दी थी? आर्यभट्ट ने दी थी। और ये गाना भी था पुराने टाइम की का, याद तो नहीं है, लेकिन उसमें आर्य इस बात का जिक्र किया था कि जीरो उस देश के का रहता हूँ जिस देश में गंगा बहती, ऐसा कुछ था, याद नहीं मुझे। लेकिन जीरो क्या थी? हमारे महान मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने दी थी। जीरो को हम क्या बोलते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। हमारे पास तीन तरीके के इंटीजर हो गए जी, कौन कौन से? पहले नेगेटिव, पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कौन से आगे, चलो यहाँ लिख लेंगे, फिर एक बार साफ कर लेंगे। आप लिखते रहना कि कौन कौन से नंबर कौन से हैं, अगर किसी को कॉपी में उतारने हैं तो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जमा एक नंबर लाजवाब शानदार, मैं इसमें कह नहीं सकता कि कितने इंपॉर्टेंट है ये। मैक्सिमम स्टूडेंट को ट्वेल्थ पास कर जाएंगे, उनको ये नहीं पता कि कौन कौन से इंटीजर कौन से हैं, और जीरो का तो मैक्सिमम पता ही नहीं कि इनको, इसको हम नॉन नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट फोर्थ क्या है? फोर्थ है जी रैशनल नंबर। कौन सा है? रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर की एक प्रॉपर डेफिनेशन है, वो क्या है? द नंबर्स विच रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, P एंड Q आर इंटीजर्स। अब ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली तो कौन सी कि Q किसके इक्वल नहीं होगा? जीरो के। और दूसरी कौन सी है कि P और Q क्या होंगे? इंटीजर। बिल्कुल एक नंबर की बात है। पहले तो हम इसको देखते हैं कि क्या है ये Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। मान लीजिए कि मेरे पास यही है 5/0। क्या है जी? 5/0। अब डिवाइड करना, तो डिवाइड करने वाली फॉर्म जैसे जीरो, हम कितने पे भी चला लें, मैं जीरो से किसको मल्टीप्लाई करूँगी? 5/5। ऐसा कोई नंबर ही नहीं है, क्योंकि जीरो तो एक ऐसी हमारी देवी है, जिसको भी अपने समुद्र है, अथाह समुद्र है जीरो, तो जिसको भी अपने में मिलाएगा वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो जीरो क्या है? जीरो जिससे भी मिलेगा वो जीरो हो जाएगा। तो जीरो अगर किसी के नीचे डिवाइड में है तो वो क्या होगा? जीरो, इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब अनडिफाइन, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, इनफाइनाइट कह देते हैं। तो पहली तो कंडीशन ये होगी कि क्यू इज इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि पी और क्यू क्या होंगे? इंटीजर होंगे। अब ये बात भी होगी, क्यों? क्योंकि अगर पी और क्यू इंटीजर नहीं है तो पी को क्या बोल सकता हूँ मैं? जैसे कि मैंने √2 ले लिया, √2/3। अब ये क्या हो जाएगा? ये एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो हमारा जो फोर्थ है, फोर्थ क्या है? रैशनल नंबर्स आर द दोज नंबर विच रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी एंड क्यू आर क्या? इंटीजर्स। एक और खास बात होती है, पी एंड क्यू आर को प्राइम। अब इस बात को मैं लास्ट में सिखाऊंगा आपको, जब मैं प्राइम कंपोजिट नंबर बताऊंगा तो तब आपको बताऊंगा कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो हमने पढ़ लिया है, क्या पढ़ लिया जी? कि रैशनल नंबर क्या होंगे जो पी वाई क्यू क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, पी एंड क्यू आर इंटीजर, एंड वेयर पी एंड क्यू आर
को प्राइम, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पहले हम यही नंबर पढ़ लेते हैं थोड़े थोड़े, कौन कौन से इरेशनल नंबर फिर बाद में पढ़ेंगे। फिफ्थ क्या है जी, फिफ्थ है इवन। इवन को हम क्या बोलते हैं, सम संख्या है। बहुत ईजी है जी, क्या द नंबर्स विच डिविजिबल बाई टू आर कॉल्ड इवन नंबर। क्या 2, 4, 6, 8, 10 एंड so on। तो ये क्या है जी, हमारे सम संख्याएं हैं, इवन नंबर है, सम संख्या है। ओके जी, हमारा नेक्स्ट क्या है, ओड। ओड कौन से हैं जी, विषम, सम और विषम। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, विषम संख्या जो दो से डिवाइड ना हो, दो से डिवाइड। द नंबर्स विच कांट बी डिविजिबल बाई, किससे, टू से, तो कौन सी होगी जी, वो 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड so on। ठीक है, अब आपने यहाँ तक उतार लिया है, इसके बाद मैं दो चार बातें समझाऊंगा आपको, फिर बताता रहूँगा, क्योंकि एक पेज पे मतलब पूरा कंप्लीट नहीं होगा। तो अब यहाँ तक अगर आपने उतार लिया, नहीं तो स्क्रीन ओ पहले रोक लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आराम से उतार लेना। अब इसके बाद हमारे क्या नंबर होंगे, उसके नंबर को समझने से पहले हमें दो छोटी छोटी बातें समझनी होंगी। एक तो क्या है जी, एक तो फैक्टर, दूसरी क्या है, ठीक है जी, ठीक है, पहली बात तो क्या है, फैक्टर क्या होता है, फैक्टर, फैक्टर इज द नंबर दैट कैन डिवाइड अनदर नंबर। फैक्टर नंबर, फैक्टर क्या होगा, वो एक ऐसा नंबर है, ऐसा नंबर है, क्या 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 है वो, जो दूसरे नंबर को डिवाइड कर देगा। जैसे कि अगर मैं 6 के आपको फैक्टर पूछ लूँ कि 6 के फैक्टर क्या होंगे, तो पहला क्या होगा 1, फिर क्या होगा 2, फिर क्या होगा 3 और फिर क्या होगा 6। ओके जी, फिर जैसे मैं 12 के देख लूँ तो 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। अगर मैं ऐसे ही मैं 36 के देख लेता हूँ, 36 के मैं इस साइड से लिखना स्टार्ट करूँगा, 13, 12, 9, 6, 4, 3, 2, 1। देखो अब मैं फैक्टर्स के बारे में आपको बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा। फैक्टर क्या है, फैक्टर वो नंबर है जो किसी नंबर को डिवाइड करते हो, और इस नंबर को 12 को डिवाइड करने वाले ये सारे नंबर हैं, तो ये सारे के सारे 12 के क्या हो गए, फैक्टर हो गए। 6 के फैक्टर कौन हो गए, 1, 2, 3, 6, ठीक है। 36 के हो गए कौन, हो गए ये, हो गए। ओके, दो छोटी छोटी बातें, सबसे पहली बात है जो ये 1 है ना, ऑलवेज डिवाइड एवरी नंबर, 1 सबको डिवाइड करेगा। इसका दूसरा कहने का मतलब क्या है कि 1 सबका फैक्टर होगा। पहली तो बात क्या है कि 1 इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, पहली बात होगी जी, ठीक है। और इवन सबसे छोटा फैक्टर भी कौन होगा, 1 ही होगा, सबसे छोटा फैक्टर भी कौन होगा, 1। ओके, दूसरी बात क्या है कि अगर किसी नंबर के हमें फैक्टर निकालने हैं तो सबसे बड़ा जो फैक्टर होगा वो कौन सा होगा, 6 होगा, 6 नहीं वो नंबर खुद होगा। जैसे यहाँ पे कौन है 6, यहाँ पे कौन है 12 और यहाँ पे कौन है 36। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, 1 होगा, और सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, वो खुद होगा। यहाँ तक बात ठीक है। अब एक बात जो कॉमन नोट कीजिए, यहाँ 12 है, 12 के बाद कौन है सीधा 6, यहाँ 6 था तो 6 के बाद कौन था 3। तो ऐसे ही अगर आपको कभी भी किसी नंबर के फैक्टर ढूंढने हैं तो सबसे पहले खुद तो वो नंबर होगा ही होगा, दूसरा चेक कीजिए कि उसके डायरेक्ट आधे वाला नंबर उसका डिवाइड मतलब उसका फैक्टर है या नहीं है। अगर वो नहीं है तो उसका 3 मतलब जो उसका थर्ड होगा 3 से डिवाइड करने के बाद जो आएगा, वो नहीं है तो 4 से डिवाइड करने के बाद जो आएगा, और वो नहीं है तो फिर 6 से 5 से डिवाइड करने के बाद आएगा, नहीं तो 4 से। अब मैं इसका क्यों कह रहा हूँ ऐसा, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि किसी के आधे से, जैसे कि 18 से बड़ा अगर कोई भी नंबर है तो सबसे पहले हम किस पे चलाएंगे, जैसे कि 18 एकम 18, 18 दुनी
36, ठीक है। तो क्या कोई 19 है, तो 19 से कम 19 दूनी कितना हो जाएगा 38, ठीक है। तो अब 19 भी नहीं होगा क्योंकि इनके बीच में अगर कोई भी नंबर होगा तो वो इससे आगे चला जाएगा उसकी जो टेबल होगी। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि उस नंबर के उसके आधे के बीच में कोई भी नंबर ऐसा होगा जो इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दे। तो इनको हम क्या बोलते हैं जी, फैक्टर बोलते हैं। अब दूसरी बात मल्टीपल क्या होते हैं, ये तो वैसे मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। मल्टीपल क्या होंगे, ऐसे नंबर मल्टीपल क्या होंगे जी, ऐसे नंबर दैट कम्स इन द टेबल्स ऑफ ए नंबर, मतलब किसी के नंबर की टेबल में जो आएंगे वो क्या कहलाएंगे, मल्टीपल कहलाएंगे जी। जैसे कि अब मेरे को 6 के ही मल्टीपल लिखने हैं तो क्या होंगे, 6, 12, 18, 24, 30 एंड सो ऑन। ऐसे अगर मैं 12 की लिखूंगा तो 12, 24, 36, 48 एंड सो ऑन। अगर ऐसे ही मैं 36 की लिखूंगा, 36, 72, 108 और 144 एंड सो ऑन। ये क्या है, ये इन सभी के मल्टीपल हैं। अब मल्टीपल की कॉमन बात क्या है, मल्टीपल की कॉमन बात यह है कि 6 का सबसे छोटा मल्टीपल क्या मिला, 6, 12 का क्या मिला, 12, 36 का क्या मिला, 36। बड़े तो कितने मिल जाएंगे, लेकिन किसी भी नंबर का सबसे छोटा मल्टीपल है ना, सबसे छोटा नंबर वो खुद होगा। तो इतनी बात है कि क्या कि किसी भी नंबर का सबसे छोटा मल्टीपल कौन होगा, वो नंबर खुद होगा। यहाँ पे 6 था तो ये होगा, ठीक है, ओके। अब हम कंपोजिट और प्राइम नंबर समझेंगे। बिल्कुल ईजी है, अगर आपने फैक्टर अच्छे से समझ लिया ना तो बिल्कुल लटकट जाएगा जमा। पहला नंबर क्या है ना, मतलब ने 5, 3 इंटीजर रैशनल नंबर, इवन ऑन प्राइम, 3, 2, 5, 6। और हमारा सातवां नंबर है, ये सातवां नंबर क्या है जी, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, हैव ओनली 2 फैक्टर, जिसके पास केवल और केवल कितने फैक्टर हों, 2। अब अभी अभी फैक्टर पड़े हैं, पहली बात तो एक सबको डिवाइड करेगा और वो नंबर खुद भी अपने आप को डिवाइड करेगा, तो दोनों फैक्टर क्या हो गए, वो खुद। मतलब कि प्राइम नंबर हम उनको भी कहते हैं जिनके फैक्टर केवल एक और वो खुद हो, बस प्राइम नंबर हम उनको भी कहते हैं कि जिनके फैक्टर केवल और केवल वो नंबर हो और एक हो, उसके अलावा कोई भी फैक्टर ना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। और ऐसे ही हमारा 8 नंबर कौन सा है, कंपोजिट हैव मोर देन 2 फैक्टर। अब एक बात है जो प्राइम नंबर के बतानी भूल गया, कि प्राइम नंबर में इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है, इंटरेस्टिंग बात क्या है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2। और इसकी एक और खास बात क्या है कि ओनली इवन प्राइम नंबर, एक अकेला इवन ऐसा नंबर है जो प्राइम है, नहीं तो और जितने भी इवन नंबर होंगे वो सारे 2 से तो डिवाइड होंगे ही होंगे और अपने आप से होंगे और एक से होंगे, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा इसलिए वो क्या हो जाएंगे, कंपोजिट। तो अकेला एनडीए में क्वेश्चन आया था जी इसके बारे में, ये एक बात थी जो एनडीए में पूछी गई थी एक बार, तो 2019 के एग्जाम में पूछी गई थी कि दो जो नंबर है वो क्या है, ओनली इवन प्राइम नंबर है, इसको छोड़ के कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं होगा। तो अगर हम कभी भी जैसे 11th में आएंगे, सेट वगैरह पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि जो ओड नंबर का सबसेट तो नहीं कहेंगे, लेकिन और जितने भी इसके नंबर हैं और सारे के सारे, तो प्राइम नंबर होने की कंडीशन क्या हो जाएगी कि 2 को छोड़ के सारे क्या होंगे, ओड होंगे, ओके। अब कंपोजिट क्या है, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, मोर देन 2 फैक्टर। अब क्या है, जैसे कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है प्राइम ना, कंपोजिट कितना है, 4, फिर कितना है, 6, फिर कितना है, 8, फिर कितना है, 9, फिर 10 है, फिर 12 है, एंड चलते रहेंगे, सो ठीक है। अब हम एक को ना तो प्राइम मानते हैं ना ही हमें कंपोजिट नंबर मानते हैं, एक क्या है, कुछ नहीं है, समझ गया आप क्या है वो, ठीक है जी। अब देखो आगे, मैंने आपको बताया था कि जब मैं प्राइम नंबर बताऊंगा तब आपको क्या बताऊंगा, को प्राइम बताऊंगा, क्या है, को प्राइम। को का मतलब क्या होता है, सह, और प्राइम का मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्या, इसको क्या बोलते हैं हमें, भाज्य, इसको क्या बोलते हैं, अभाज्य,
भाई एक आध बार मिस्टेक हो जाए कुछ लिखने में तो माफ कर देना। क्या है कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं, सहभाज्य नंबर होते हैं। सह मतलब कि उन दोनों नंबर का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, एक को छोड़ के, एक तो सबका ही है भाई, उसके तो कोई कहने की बात ही नहीं है। द नंबर्स हैव नॉट एनी कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट वन। मतलब कि वन को छोड़ के जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, मतलब कि एक तो सबका है, हर खत्म होगी बात उसकी, तो जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो तो उनको क्या कहेंगे, को प्राइम। अब ये कंडीशन नहीं है कि वो दोनों प्राइम होंगे, हाँ प्राइम नंबर, दो प्राइम नंबर तो कम को प्राइम तो है, जैसे कि मैं दो और तीन ले लेता हूँ, को प्राइम है जी दोनों, क्योंकि दो और तीन का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं। ओके मैं तीन और पाँच ले लेता हूँ, ठीक है जी, ये भी को प्राइम हो गए। अगर हम कभी भी दो प्राइम नंबर लेंगे तो को प्राइम तो कंपलसरी हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई कंपोजिट नंबर के साथ को प्राइम नहीं हो सकता। अगर मैं लूँ 5 और 6 को प्राइम है जी, लेकिन 6 तो कंपोजिट है। और ये भी कंडीशन नहीं कि एक को प्राइम एक प्राइम होना चाहिए, दोनों क्या हो सकते हैं कंपोजिट, जैसे कि 8 और 9, लेकिन ये बहुत रेयर मिलेंगे किसी प्राइम नंबर की ही टेबल में। जैसे कि दो की अगर कोई टेबल में आगे जा रहा है, 2, 4, 8, 16, 32, 64 अगर 128, 256 कुछ है, और तीन की टेबल में ऐसे चलाता रहूँ तो वो को प्राइम का पेयर बन जाएगा, 5 का चलाता रहूँगा ऐसे, तो हमारे कंपोजिट नंबर भी को प्राइम हो सकते हैं, और एक प्राइम और एक कंपोजिट भी हो सकता है, और दोनों प्राइम तो को प्राइम है ही है। तो यहाँ हमने कहाँ तक पढ़ लिया जी, 9 नंबर हमारे पास आ गए हैं, प्राइम कंपोजिट एंड को प्राइम। अब हम आगे पढ़ेंगे, आगे हम रैशनल को एक बार दोबारा फिर से लिखेंगे, और फिर क्या पढ़ेंगे, रैशनल इरेशनल पढ़ेंगे। हमने रैशनल नंबर तो क्या पढ़ लिया था, रैशनल नंबर तो पढ़ लिया था जो पी वाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकते हैं, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी एंड क्यू आर द नेचुरल नंबर, नेचुरल नहीं इंटीजर नंबर, एंड क्यू पी एंड क्यू आर को प्राइम। ओके अब हमारे पास 9th 10th नंबर क्या होगा, अब हम कभी भी हमारे हमें ऐसा मिल सकता है, जैसे कि मैं कहूँ 1.2 0.5 है जी, 1.5 0.2 है, मैं 1.3 करूँगा तो 0.33333, मैं 1.6 कर दूँगा तो 0.13333, ऐसे ही चलता रहेगा। ओके अब हमारे हमने देखा है कि ये कौन से नंबर है, डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर है, ये भी एक डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर। अब हमारे पास डेसिमल नंबर में दो तरीके के नंबर होते हैं, पहला तो कौन सा होता है, टर्मिनेटिंग, मतलब नंबर्स दैट हैव काउंटेबल डेसिमल एक्सपेंशन, मीन्स जहाँ जिन नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, काउंटेबल हो, मतलब कि काउंट किया जा सकता हो या फिनिश हो या टर्मिनेट हो। और टर्मिनेट का मतलब क्या हो, जैसे कि हम ट्रेन में बैठते हैं कभी भी क्या कहेंगे कि दिस ट्रेन विल टर्मिनेट हेयर, मतलब यहाँ पर जाए जहाँ भी रुकने वाली अभी अभी जस्ट है वहाँ पर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। खत्म होने का मतलब कि वहाँ पर रुक जाएगी, आगे नहीं जाएगी। तो टर्मिनेट का मतलब क्या कि ऐसे नंबर जो क्या होंगे, जिनका एक्सपेंशन क्या होने हो सकता है, खत्म हो जाएगा, जिनका एक्सपेंशन क्या होगा, जिनका क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, मतलब कि वो नंबर क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो उनको क्या बोलते हैं, हमें टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। दूसरे नंबर कौन से होंगे, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या नहीं होगा, कभी भी एंड नहीं होगा। दूसरे नंबर क्या होंगे, जिनका डेसिमल नंबर कभी भी क्या नहीं होगा, एंड नहीं होगा। तो इससे अगले वाले नंबर कितने हैं, अगले वाला नंबर कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग कौन से हो गए, क्या हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग वो नंबर है जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कभी एंड ही नहीं होता, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कभी भी क्या नहीं होता, एंड, इनका क्या हो गया था, एंड हो गया। द नंबर्स विच हैव नॉट ए एंडिंग
डेसिमल एक्सपेंशन, द नंबर्स विच हैज नॉट ए एंडिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जैसे कि 1/3 कितना होगा 0.3333 के ऊपर बार, मतलब कि 0.3 के ऊपर बार लिख सकता हूँ मैं इसको, इसको क्या लिख सकता हूँ 0.16 के ऊपर बार। बार का मतलब क्या होता है? रिपीटेशन। बार का मतलब क्या होता है? रिपीटेशन होता है जी। बार का मतलब क्या होता है कि ये नंबर क्या हो रहा है, बार 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 रिपीट हो रहा है। ओके ठीक है, मतलब कि भाई साहब ये जो बंदा है 1/3 को हम ये लिख सकते हैं, 1/7 को भी कुछ लिख सकते हैं, हम आगे बताऊंगा। ये जब टेंथ में का ये टॉपिक है, टेंथ के पहले चैप्टर का ये टॉपिक है कि हमारा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग कब होगा, नॉन टर्मिनेटिंग कब होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है जो हमारे जिनके जो डेसिमल एक्सपेंशन कभी एंड नहीं होगा, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कभी एंड नहीं होगा, तो क्या कहलाएंगे? वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहलाएंगे। ठीक है जी, तो नेक्स्ट नंबर क्या है जी हमारा? नेक्स्ट नंबर 12 नंबर कौन सा है? रिपीटिंग। ओके, तो रिपीटिंग कौन से होंगे जिनका डेसिमल एक्सपेंशन, रिपीटिंग कौन से होंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग थे? टर्मिनेटिंग कौन से थे जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो रहा था? एंड हो रहा था। नॉन टर्मिनेटिंग कौन से जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो रहा था? एंड नहीं हो रहा था। अब एंड ना होने के दो हमारे पास दो है, एक तो ये है कि जो रिपीट हो रहे हैं, दूसरे कौन से हैं वो अगला डिस्कस करेंगे। तो नॉन टर्मिनेटिंग के बाद कौन सा आ गया हमारा? रिपीटिंग। रिपीटिंग कौन से हैं जो कभी ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, जो रिपीट ना, जो खत्म नहीं हो रहे, टर्मिनेट भी नहीं हो रहे, उसके साथ क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे 3333 रिपीट हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि 0.45 45 45 45 45, मतलब कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.45 के ऊपर बार। ये क्या हो रहा है ना? तो सर टर्मिनेट हो रहा और ना क्या हो रहा है, ना ख़त्म हो रहा, तो इसको क्या बोलते हैं हमें? रिपीटिंग। इससे अगला नंबर क्या होगा जी? इससे अगला नंबर क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ओके, अब ये ही बात सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां से ही आपको पता लगेगा कि ये इससे पहले जितने भी आपने नंबर पढ़े थे ना, चाहे वो नेचुरल हो, फिर ओल पढ़े थे, फिर इंटीजर पढ़े थे, फिर कौन से पढ़े थे, इवन, ओड, प्राइम, कंपोजिट, उसके बाद कौन से पढ़े हमने? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। ये सभी के सभी क्या हैं? ये सभी के सभी हमारे प्यारे रैशनल नंबर हैं, जबरदस्त वाले रैशनल नंबर हैं। मतलब कि हम मैक्सिमम किन से डील करते हैं? मैक्सिमम हमारे लाइफ में रैशनल नंबर से डील करते हैं। इसके अलावा हम बहुत कम नंबर होंगे जिनसे हम डील करते होंगे। तो ये हमारे कौन से नंबर थे? सारे के सारे अभी तक कौन से थे? रैशनल के रैशनल नंबर थे। मतलब कि टर्मिनेट हो रहा है वो भी नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर, कौन सा? रिपीटिंग हो रहे हैं, मैं भी कौन से थे? रैशनल। अब हमारे पास कौन से नंबर आए हैं जो ना तो क्या हो रहे हों? टर्मिनेट, और ना ही क्या हो रहे हों? रिपीटिंग। तो वो कौन से नंबर कहलाएंगे? इरेशनल नंबर कहलाएंगे। इन्हीं को क्या बोलते हैं? इन्हीं को क्या बोला जाता है जी? इन्हीं को बोला जाता है इरेशनल नंबर। इन्हीं को बोला जाता है इरेशनल नंबर। मतलब कि इनको हम क्या नहीं लिख सकते? इनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ना जी ना, बिल्कुल नहीं लिख सकते। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, वो क्या कहलाएंगे हमारे? इरेशनल नंबर कहलाएंगे। ओके ओके, तो कौन से होते हैं सबसे फेमस इरेशनल नंबर? कौन सा? मैं थोड़ा सा इधर साफ कर लेते हैं पहले। सबसे फेमस इरेशनल नंबर कौन सा है? पाई, हमारा प्यारा पाई। अब हमने पूरी लाइफ में इसको यूज करेंगे, इसकी वैल्यू भी यूज कर लेते हैं। एक बार तो कौन सी कर लेते हैं हम? 3.14। दूसरी कौन सी कर लेते हैं? 22/7। ये दो इसकी वैल्यू, ये अप्रोक्स वैल्यू है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो पाई क्या है? पाई इरेशनल नंबर, सबसे फेमस इरेशनल नंबर है। और दूसरे कौन से होते हैं? दूसरे सबसे सिंपल, सिंपल में लिखूँ तो यहाँ क्या लिख सकते हैं उनको? नॉन परफेक्ट स्क्वेयर नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वेयर नंबर। मतलब कि अगर मैं रूट के अंदर कोई भी ऐसा नंबर लिख दूँ जो परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है। परफेक्ट स्क्वेयर किसको बोलते हैं? जो नेचुरल नंबर का स्क्वेयर हो, यानी इंटीजर का स्क्वेयर हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं? अगर नॉन परफेक्ट स्क्वेयर नंबर का अगर हम स्क्वेयर रूट कर देना,
तो वो क्या कहलाएंगे? इरेशनल नंबर कहलाएंगे। तो कौन से होते हैं वो? रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सिक्स, रूट सेवन, रूट एट, रूट टेन। क्योंकि कौन है हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 8, 64, 81, 100, 125। फिर कितना हो? 144, 169, 196, 225। यही है ना। तो ये इनको छोड़ के जितने भी नंबर बच गए, जितने भी नंबर बच गए, उन सब का क्या होगा? स्क्वायर रूट क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर कहलाएगा। ओके ओके ओके। अभी भी हमारे पास नंबर बच गए, अभी भी हमारे पास नंबर बच गए। दो तरीके के नंबर हैं। कौन से हैं? जो बहुत, जो सबका, सबका मालिक एक। तो इन सभी का मालिक कौन है? इन सब का मालिक कौन है? इन सब का मालिक, इन सब के मालिक को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर। इन सब के मालिक को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर। तो हमारे कितने हो गए थे? शायद 13 हो गए थे। तो 14 नंबर कौन सा हमारा? रियल नंबर। रियल नंबर्स। तो द नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो कौन से होते हैं? रियल नंबर होते हैं। ठीक है जी। अब कौन से होंगे? जितने भी नंबर हमने पढ़े थे ना, जितने भी नंबर अगर हमने पढ़े थे, तो कौन से थे? सबसे पहले कौन से थे? नेचुरल। उसके बाद नेचुरल में जीरो ऐड होने के बाद कौन से आ गए थे? ओल। इसमें के बाद कौन से आ गए थे? इंटीजर, जिनको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद कौन से आ गए थे हमारे? रैशनल। रैशनल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। और फिर हमारे, क्योंकि वो रैशनल तो इरेशनल तो अलग होंगे, इरेशनल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टी से। और इन सभी को क्या बोलते हैं? इन सभी को बोलते हैं, इन सब को बोलते हैं हमें रियल नंबर। इनको के इनको रियल नंबर कहा है। ठीक है, यही कौन से हमारे? रियल नंबर। अब एक और लास्ट 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 नंबर कौन से हैं? कौन से थे? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो, सारे नंबर तो रियल हो गए। अब आप सोचते हो कि नंबर ही कौन से बचे जब सारे ही तो आ गए। हाँ, नंबर बचे कौन से जो रियल ना हो। मतलब कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने लिया है ये नंबर, ये क्या जी? स्क्वायर रूट के अंदर माइनस फोर। ठीक है ठीक है। अब देखो, स्क्वायर और स्क्वायर रूट को थोड़ा सा इतना सा समझने की कोशिश करेंगे। स्क्वायर क्या है? किसी नंबर की अपने आप से गुणा। ठीक है, अगर मैं माइनस दो की गुणा माइनस दो से करूँ तो कितना आएगा? फोर। अगर मैं दो की गुणा दो से करूँ तो कितना आएगा? फोर। मैं कभी भी स्क्वेयर करते वक्त माइनस दो की गुणा प्लस दो से करते हम ना। स्क्वेयर होने का मतलब ही क्या है? स्क्वेयर होने का मतलब है सेम नंबर से ही अपने आप की गुणा। तो माइनस माइनस से गुणा करूँगा तभी प्लस आएगा, प्लस प्लस से गुणा करूँगा तभी प्लस आएगा। मतलब कि कभी भी किसी का भी स्क्वेयर कभी माइनस नहीं आएगा। ठीक है, और स्क्वेयर रूट क्या बोल रहा है? स्क्वेयर रूट क्या कहता है? स्क्वेयर ने तो क्या कहा था? स्क्वेयर ने कहा था कि उस नंबर के अपने आप से ही गुणा कर दो। ओके, स्क्वेयर रूट क्या बोल रहा है? स्क्वेयर रूट बोल रहा है कि एक ऐसा नंबर ढूंढ के बताओ जी मेरे को, ऐसा नंबर ढूंढ के बताओ। कैसा? कि जिसका स्क्वेयर माइनस फोर हो। ऐसा नंबर ढूंढ के बता दो जिसका नंबर क्या हो? माइनस फोर। तो ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं, ऐसा नंबर कोई होता ही नहीं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? कंप्लेक्स नंबर। और इनको हम किससे दिखाते हैं? अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम टू आयोटा। अब आयोटा 11th क्लास में पढ़ेंगे अच्छे से, एक चैप्टर है पूरा हमारा कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। ये जो रियल नंबर है, रियल नंबर 10th क्लास का चैप्टर है। तो 10th क्लास का मैं बोल रहा हूँ, 9th, 10th, 11th, 12th सभी के लिए पूरे के पूरे नंबर सिस्टम हमारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब हमारे कंसेप्ट सारे सारे नंबर लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए, अगर नहीं लगी तो डिसलाइक कीजिए, आगे आपकी मर्ज़ी है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।